चाहत के लिए आई एम ओवर पॉसेसिव, समझे? एल्विश के अलावा कौन है? एक साइड मेरे को रख दे, एक साइड 1000 करोड़ रुपए रख दे, तो 2000 करोड़ रुपए को कितनी देर में छुएगी? हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? अभी की इस वीडियो में बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। दोस्तों, यदि आप लोग एल्विश यादव को काफी दिनों से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि एल्विश यादव के वीडियो में कीर्ति एंड चाहत काफी समय से काम कर रही है। एंड कीर्ति तो अब एल्विश यादव का साथ छोड़ चुकी है, लेकिन चाहत अभी भी उनके वीडियो में काम करती है। एंड दोस्तों, काफी लोगों को लगता है कि चाहत एंड एल्विश के बीच में कुछ चल रहा है। एंड बार बार उनके जो दोस्त हैं वो भी उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। एंड दोस्तों, आप भी अगर एल्विश यादव को क्लोजली फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि एल्विश यादव के दिल में चाहत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो कि एज अ फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी कारण उनका मजाक उनके दोस्त अक्सर उड़ाते हुए नजर आते हैं। एंड कल वाले ब्लॉग में भी ऐसा ही हुआ, जब कटारिया और उनके और दोस्तों ने चाहत को लेकर के एल्विश का मजाक उड़ा दिया, जिसके बाद देखिए इस पे एल्विश यादव का क्या कुछ रिएक्शन आया। ये भाई जिम बैग है, चाहत का जिम बैग है वो, तुम्हें सब पता है। चाहत के लिए आई एम ओवर पॉसेसिव, समझे? जस्ट किडिंग। मैं भाई, मैं मेरा कुछ भी सीन किसी के साथ नहीं, मैं शादीशुदा आदमी हूं भाई। मेरा रिश्ता पक्का करवा रखा मेरे घर वालों ने, मैं उसी गए लूं भाई। खुश दो बालक भी है भाई, मेरे दो बालक भी है भाई, और ना मैं एक का कटारिया और एक का एल्विश, ना एक दूसरे का भी बता दें। हां जी, नूलम एक छोरा है, दोनों छोरे ही हैं, एक है लवकेश और एक है राम और दूसरा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एल्विश और चाहत के बीच में सच में कुछ चल रहा है या बस एक नॉर्मल फ्रेंडशिप है? एंड दोस्तों, एल्विश यादव के इंस्टाग्राम पे कल 2 मिलियन फॉलोवर पूरे हो चुके हैं, तो उनको हमारी तरफ से हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड दोस्तों, एल्विश यादव का न्यू पॉडकास्ट रियल हिट के यूट्यूब चैनल पे संडे को आने वाला है, तो देखते हैं उसमें वो कौन कौन सी सीक्रेट बातें रिवील करते हैं। तो अभी की अपडेट होती है यहीं पे समाप्त। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।